हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद मोसिना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। चार साइड से घिरी हुई आकृति, आकृति इंग्लिश में शेप कहते हैं। जिसकी चारों साइड्स बराबर हों उसे ही स्क्वायर कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास ये कोई शेप है, इसकी फोर साइड्स हैं। फोर साइड से घिरी हुई एक शेप है और इसकी चारों ही साइड्स बराबर हैं, उसे ही हम स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 का, ये भी और ये भी, सारे ही एंगल 90 डिग्री के होते हैं। फ्रेंड्स, हमने बताया था पिछली वीडियो में रेक्टेंगल में भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, बट उसमें आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं रेक्टेंगल में। लेकिन स्क्वायर में चारों ही साइड्स बराबर होती हैं। अगर ए भी 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर होगी, सी डी भी और डी ए भी। यहाँ हमने लिखा हुआ है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब सारी ही साइड्स इक्वल हैं तो वही हमारा स्क्वायर होगा। उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी और ये भी। और अगर हम ए से सी को मिला देते हैं तो ये इसके डायगोनल कहलाते हैं। ए से सी को मिलाने वाली लाइन डायगोनल होगी। इस तरीके से बी से डी को मिलाने वाली लाइन डायगोनल होगी। इसे हिंदी में विकर्ण कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? साइड्स की पावर 2। साइड्स को हिंदी में भुजा कहते हैं, तो भुजा की पावर 2। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 या फिर साइड की पावर 2। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब कि वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 × साइड, मतलब कि चारों साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 × साइड। डायगोनल ऑफ स्क्वायर रूट 2 × साइड, ये रूट के अंदर होता है 2 × साइड। चलिए फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी चारों ही साइड 5 मीटर की है। ए बी 5 मीटर है, बी सी 5 मीटर है, सी डी 5 मीटर है और डी ए बी 5 मीटर है। ये हमारा स्क्वायर होगा, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर के चारों ही साइड इक्वल होती हैं और वो कितनी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमें 5 मीटर दी हुई है। अगर हमसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमें पता है साइड की पावर 2, मतलब कि भुजा की घात 2। हमारे पास कितनी दे रखी है साइड? 5 मीटर। तो हम इसे 5 की पावर 2 कर देते हैं। तो 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। 5 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 मीटर आएगा। फ्रेंड्स, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, हमें जो भी यूनिट दी हो वही लिखना है। अगर मीटर है तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। अब देख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। हमारे पास 4 तो अपने प्लेस पे रहेगा, साइड हमें जितनी भी दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 5 = 20। 20 मीटर इसका पेरीमीटर होगा। अगर हमसे डायगोनल पूछा जाए, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है √2 × साइड। ध्यान रखना रूट के अंदर है, तो रूट लगा देंगे 2 × साइड कितनी हमारी? 5 × 5 = 10 मीटर होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।